गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 12th में वीडियो नंबर 44 कर रहे हैं। टॉपिक क्या पढ़ेंगे आज अपन? सीमा ज्ञात करने की विभिन्न विधियां, डिफरेंट मेथड टू फाइंड आउट लिमिट्स। हालांकि हमने 11 को कुछ पढ़ लिया, लेकिन सातत्यता तक कंटिन्यूटी तक पहुंचने के लिए पहले इनको पढ़ना एक बार जरूरी है। ध्यान से देखें, प्रतिस्थापन विधि, पहला मेथड क्या है? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आया उसके अंदर आप डायरेक्ट लिमिट रख दो, सीधा सीमा का मान रख दो। अगर अनिर्धारित रूप नहीं प्राप्त हो, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन से बताई थी मैंने आपको? 1/0, इनफाइनाइट, 0/0, 1 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये सारे रूप नहीं आए। डायरेक्ट सीमा की मान रखने पर डायरेक्ट अपन लिमिट रख दें तो अनिर्धारित रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो वही जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, सीमा का मान हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे क्वेश्चन करके देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन f अपॉन x प्लस, मान लो ये क्वेश्चन। अब आपने रखा डायरेक्ट लिमिट x की जगह क्या रख दी, 1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1, जहाँ जहाँ एक्स आ जाएगा वहाँ क्या रख दिया आपका, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से बन जाएगा 3, निशान बढ़ेगा। ये क्या आ गई, क्या निर्धारित रूप आया, क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म आई है, क्या नहीं है, रियल वैल्यू वास्तविक संख्या आ गई, तो यही सीमा का मान है। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, डायरेक्ट सीमा का मान इसमें रख दो। आई बात समझ में? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपन कर सकते हैं, ठीक है। अगला ये तो पहली विधि, दूसरा था व्यंजक सरलीकरण विधि, एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन मेथड। देखो प्रश्न में बहुपद व्यंजक होंगे, ठीक है, क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, उनको अगर अपन डायरेक्ट रखेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही होगी। डायरेक्ट सीमा का माना था तो अनिर्धारित रूप आ रहा होगा, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर उसमें कुछ ऐसे व्यंजक एक्सप्रेशन है जिनको सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना, तो सॉल्व करने के बाद कुछ कटिंग हो जाए, कुछ ऊपर नीचे, फिर उसके बाद जब अपन जो बचे हुए एक्सप्रेशन व्यंजक है उसमें जब मान रखते हैं अपन सीमा का, तो अनिर्धारित रूप प्राप्त नहीं होता। आपके लिए क्या कह रहा हूँ, व्यंजक सरलीकरण, कैसे, एक एग्जांपल द्वारा समझो। जैसे क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब तुमने रखा इसके अंदर क्या होगा, 2 का स्क्वायर x की 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 2 2 जो 4 माइनस 4 तो क्या है 0, 2 का 2 जो 0, 0 अपॉन 0 क्या होती है, अनिर्धारित रूप इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्लियर है। तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि नहीं लग सकती, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग सकता। तो क्या करेंगे, अपन जानते हैं ये एक्सप्रेशन, ये व्यंजक सरल हो सकता है, कैसे हो सकता है, लिमिट तो ये रहेगी, एक्स स्क्वायर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर है ही नहीं इसमें, उधर लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार, ए क्या हो गया x, b क्या हो गया 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, एक बार a प्लस b और एक बार a अपॉन जो भी, ये दोनों मल्टीप्लाई में इसी से कर सकता हुआ क्या रह गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, अब रख दो डायरेक्ट x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 2 क्या हो गया, यही क्या हो जाएगा, सीमा का मान, वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है। तो अनिर्धारित रूप को कैसे समाप्त करा, अपने इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर सिंपलीफाई करके एक्सप्रेशन को, व्यंजकों का सरलीकरण, तो ये सरलीकरण विधि कहलाती है। आ रही है बात समझ, सबके समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट देखें, ये हो गई दो विधियां, अगला आ जाते हैं परिमेय करने, रैशनलाइजेशन में। देखो रैशनलाइज परिमेयकरण कब जरूरत होता है, जब अपरिमेय संख्या आ जाए, जब इरेशनल नंबर आ जाए, यानी वर्गमूल आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, कहाँ, ऊपर या नीचे कहीं, ठीक है,
अब तक तो हमने जो पढ़ाया रैशनलाइजेशन परिव्यकरण वो हर का पढ़ाया, डिनोमिनेटर का पढ़ाया, लेकिन जरूरी नहीं डिनोमिनेटर का हो, डिनोमिनेटर अंश का भी किया जा सकता है। देखें कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये क्वेश्चन ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो अब अपन पहले जो डायरेक्ट रखते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट रख के देखो कि जीरो पर आ जाएगा एक्स, यहाँ जीरो पे वन में से जीरो जाएगा तो जाएगा वन माइनस जीरो, क्या जाएगा वन, वन का स्क्वायर रूट क्या होगा वन माइनस वन, वन में से वन जाएगा तो क्या जाएगा जीरो पॉइंट जीरो, क्या हो जाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड डायरेक्ट रूट, आ रही बात समझ में? तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब सरलीकरण हो नहीं सकता, सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता, क्योंकि ये कैसे सॉल्व होगा, कोई फॉर्मूले नहीं लग रहे, ठीक है, तो नीचे रूट आ गया तो अपन क्या सोचेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण रैशनलाइजेशन कैसे होता है आपको पता होगा, ये तो हमने नाइन्थ में पढ़ लिया था, जैसे अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये अंडर रूट या बिगर अंडर रूट, तो अपन को क्या होता है इनके बीच में क्या है माइनस, तो इसका अपोजिट चिन्ह साइन से, विपरीत चिन्ह से, प्लस के से ऊपर नीचे क्या करते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो x ब्रैकेट अंडर रूट वन माइनस x अपॉन a माइनस b a प्लस b, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझ रहे मेरी बात, ए ए माइनस बी ए प्लस बी, ये चीज़ एक बार माइनस हो रही है और ये चीज़ एक बार प्लस हो रही है, तो क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब रूट वन माइनस एक्स का तो क्या आएगा स्क्वायर माइनस बी क्या है वन का स्क्वायर, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स रूट वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन, इसका स्क्वायर है रूट टू के ऊपर स्क्वायर है, मतलब होता है रूट टू इंटू रूट टू, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता तो कट जाता है, क्या रह जाता है टू, वैसे तो रूट फोर होगा लेकिन फोर का स्क्वायर रूट क्या जाता है टू, इसलिए याद रखो सेम रूट मल्टीप्लाई होता तो रूट कट जाता है, ऐसे स्क्वायर है तो ये रूट घट जाएगा, क्या रह जाएगा वन माइनस एक्स, माइनस वन भी तो रहेगा वन का स्क्वायर वन, ये प्लस का वन ये माइनस का वन कट गया, क्या रह गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स रूट वन माइनस एक्स अपॉन, ये से कर गया वन टाइम मल्टीप्लाई में, ये पूरे की मल्टीप्लाई में इसको काट सकते हो, ऐसे इसको इससे नहीं काट सकते, ठीक है, अगला क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये माइनस वन को आगे लगा प्लस माइनस माइनस वन का वन में डिवाइड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, अब रख दो माइनस वन को आगे अंडर रूट वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो का वन स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा वन प्लस वन, अंडर रूट वन का अंडर रूट वन प्लस वन, वन और वन क्या होगा टू, टू को से टू बन जा भाई, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस, प्लस माइनस माइनस टू बन जा, ठीक है, आ रही है आपके सबके बात समझ में, ठीक है, बार बार देखिए इस वीडियो को, अगर कोई चीज़ अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा मेथड परिमेयकरण रैशनलाइजेशन मेथड, क्लियर है बात, तो आप लोग सबके, अगला जो द्व्यू परिमेयकरण, द्व्यू परिमेयकरण का मतलब हो गया डबल रैशनलाइजेशन, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, लिमिट दो बार रैशनलाइजेशन करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू फोर थ्री माइनस रूट फाइव माइनस एक्स अपॉन, अपॉन में है वन माइनस रूट फाइव माइनस, देखो इस समय क्या है दोनों ऊपर नीचे रूट है और अलग अलग हो रहे हैं, बहुत अलग चीज है, तो नीचे वाले का भी परिमेयकरण करो और ऊपर वाले का भी परिमेयकरण, नीचे वाले का भी रैशनलाइजेशन करो और ऊपर वाले का भी रैशनलाइजेशन करो, तो डबल रैशनलाइजेशन होगा, द्व्यू परिमेयकरण, अब आपको पता है एक तो करके काम चला देते हैं, करके देखते हैं नीचे वाले को करोगे ऊपर वाले को करोगे तो अनिर्धारित रूप समाप्त नहीं होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म
जो है वो दूर नहीं होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, डबल डबल रैशनलाइजेशन या डबल द्विपरिमेय करना। कैसे देखो, आप करके देख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू, जैसे मान लो मुझे सबसे पहले नीचे वाले का करना है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले के अपोजिट ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, ये माइनस का है तो वन प्लस रूट फाइव माइनस एक्स से वन प्लस रूट फाइव माइनस एक्स, ये ऊपर माइनस का है तो प्लस के से यहाँ चेंज हो गया, चेंज हो गया, ठीक ध्यान समझ लिमिट एक्स टेंड्स टू, तो इसका और इसके अंदर फॉर्मूला लग गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर थ्री का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइव प्लस एक्स का, ये हो जाएगा। और ये जो कुछ नहीं हुआ उसको क्लियर, इन दोनों में ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस थ्री प्लस बी फाइव प्लस, ठीक है, लिमिट एक्स प्लस टू थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जन नाइन, इसका रूट हटा लूंगा फाइव प्लस एक्स, दूसरा क्या है वन प्लस रूट फाइव माइनस एक्स ऐसा का, ठीक है। अगला देखें ध्यान से, एक का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस इसका स्क्वायर का मतलब रूट हट जाएगा फाइव माइनस एक्स, थ्री प्लस रूट फाइव प्लस, अगली बात समझे, अगला लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर, ठीक है, नाइन माइनस का अगर सब चलेंगे बस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस और माइनस का, ठीक है, ये वन प्लस रूट फाइव माइनस एक्स और थ्री प्लस रूट फाइव प्लस, ठीक है। अब आ जाते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर, ठीक है, ये माइनस हो गया तो फोर माइनस एक्स नीचे प्लस माइनस माइनस, ये तो एक्स माइनस फोर है प्लस माइनस माइनस निशान बढ़ेगा पाँच बजे जाए चार बजे माइनस चार बजे पीछे लिख दीजिए फर्क पड़ता है, वन प्लस रूट फाइव माइनस एक्स थ्री प्लस रूट फाइव प्लस, अभी भी देखो डायरेक्ट होगा तो जीरो से जीरो फोर माइनस जीरो फोर जीरो फोर माइनस फोर जीरो फोर माइनस फोर जीरो जीरो पर जीरो, देखो ध्यान से अगर मैं इसका माइनस कॉमन लूँ इसको पलटना चाहता हूँ, ये फोर माइनस एक्स है ये एक्स माइनस फोर पलट दो, और माइनस में पलटते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है आगे माइनस, ये फोर माइनस एक्स था तो एक्स माइनस फोर कर दिया, केवल आगे चिन्ह बदल जाता है अगर माइनस को पलटते हो, प्लस का होता और पलटते तो कोई फर्क क्यों पलटा, ये तो बात आप लोगों के समझ में आ गई बात, ताकि ये इसी से तो एंड गाड़ी समाप्त होगा, अब डायरेक्ट कर दो आप क्या माइनस ब्रैकेट वन प्लस रूट फाइव माइनस फोर अपॉन थ्री प्लस रूट फाइव प्लस फोर, ध्यान से समझो माइनस वन प्लस फाइव में से फोर जाएगा तो वन वन का स्क्वायर रूट होगा, ये थ्री प्लस नाइन में नाइन का स्क्वायर रूट होता है, ऊपर वन प्लस वन टू वन जो थ्री प्लस थ्री सिक्स टू वन जो टू टू थ्री प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री, ये आंसर आ गया। दो बार परिमेयकरण, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, इसे बोलते हैं द्विपरिमेयकरण डबल रैशनलाइजेशन मेथड। पहली बात समझ में, अब एक और बच गया कौन सा, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन मेथड, मतलब एक तो व्यंजक सरलीकरण था
एक्सप्रेशन से उसमें तो एक्सप्रेशन व्यंजक हुआ करते थे, पॉलिनोमियल बहुपद हुआ करते थे, ठीक है ना। इसमें कुछ भी हो सकता है तो सॉल्व करो तब जाके निर्धारित रूप समाप्त होगा, तब जाके इंडिटरमिनेट फॉर्म दूर होगी। देखो कैसे, एक क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स, ये क्वेश्चन देखो। अब डायरेक्ट कर दोगे आप जीरो, वन माइनस कॉस टू इंटू जीरो जीरो, कॉस जीरो अपॉन साइन टू इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, ऊपर वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो अपॉन जीरो, वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई, ये व्यंजक तो है ना, ये तो कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो है ना। तो क्या करेंगे अपन, एक फॉर्मूला पढ़ा है वन माइनस कॉस टू थीटा बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, और अगर ये प्लस होता यहाँ क्या होता टू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगली बात में ये दो फॉर्मूले जो मैंने लगा दी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इसकी जगह टू साइन स्क्वायर एक्स थीटा की जगह एक्स है, या टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू से टू हट गया साइन से एक साइन हट गया, क्या रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स ऊपर रह गया और नीचे कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दोनों के एंगल सेम है कोण सेम है तो साइन अपॉन कॉस का जाता है। अब रख दो क्या एक्स टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू क्या होता है, अरे यार नहीं अरे डायरेक्ट रख लेते तो इंडिटरमिनेंट आया था, सिंप्लीफाई किया सॉल्व किया, ये मैंने आपको लिमिट सॉल्व करने के कितने मेथड बता दिए पांच, ठीक है ना। अभी और भी मेथड है, आज के लिए इतना ही है, उसको ध्यान से देखें और करें।